हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप गौतम बुद्ध जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो दोस्तों उठा लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको करना क्या होगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ से हम एक 18 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक 3, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर आप हल्की लाइन से ड्रॉ करिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जस्ट इसी के ऊपर आपको एक ज़ीरो पर छोटा सा पॉइंट लगाना होगा। ज़ीरो पे लगाने के बाद 3.5 लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे 7.5 पर हम छोटे छोटे ऐसे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, हम यहाँ पे मार्कर का यूज करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपके लिए ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। यहाँ से हमारा हो गया ये ऊपर वाला हिस्सा, हो गया 0 से 3.5। अब देखिएगा आपको करना क्या है, एक यहाँ से आप हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए आप ऐसे आगे की तरफ कर दीजिए, यानी कि आपको एक 3 नंबर लिखना होगा। यहाँ पे आप ऐसे एक 3 नंबर लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा 3 नंबर। 3 नंबर लिखने के बाद जस्ट इसी के ऊपर आपको इसको ऐसे हल्का सा हाफ सर्किल, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ से हल्का सा हाफ सर्किल बनाइएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे बना दीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ करिएगा। एक आपको हाफ सर्किल ड्रॉ करना होगा, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा हल्की सी। यहाँ पे भी आप ऐसे हल्का सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर आपको ऐसे इनका फेस बनाना होगा, ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा, यहाँ तक ले जाइएगा। फिर जहाँ पे हमने यहाँ पे 7 पॉइंट पे लगाया तो उसको जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ, अब आपको इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलाना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से एक छोटा सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है दोस्तों, अगर आपको पता है कि गौतम बुद्ध जी के पिताजी का क्या नाम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप हमें साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक यहाँ पे ऐसे इनका ईयर बना दीजिए, थोड़ा सा इनका लंबा ईयर बनाइएगा। यहाँ पे आप ऐसे नीचे की तरफ बना दीजिएगा। बनाने के बाद दोस्तों जस्ट यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना होगा, एक सर्कल यहाँ पे बना दीजिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आपसे बार बार कहते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना होगा, एक छोटी सी लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा। सेम प्रोसेस हम इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, एक हल्की सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा। फिर आपको इसको ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाना होगा। यहाँ से हम इनका हैंड बना देंगे। एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करिएगा, फिर आपको एक सीधी लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। अब आपको हल्का सा यहाँ पे हाफ सर्किल बनाना होगा, फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा। अंदर की तरफ करते हुए आप यहाँ पे एक हाफ सर्किल बनाइए, फिर आप इधर ऐसे मिला दीजिएगा। अब आप इनका बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ऐसे हैंड बना दीजिएगा। एक यहाँ पे फिंगर बनाइए, एक फिंगर यहाँ पे, एक आप यहाँ पे बड़ी सी फिंगर बना दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, और एक छोटा सा फिंगर आप इधर अंदर की तरफ कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको करना क्या, एक लाइन अंदर की तरफ करते हुए ले जाना होगा। यहाँ पे अंदर की तरफ करते हुए लाइन ले जाकर आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अब आपको हल्का सा इसको ऐसे अंदर की तरफ करना होगा, फिर यहाँ से आप ऐसे बाहर की तरफ ले जाइएगा। ये देखिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आपको इस साइड से देखिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ करते हुए नीचे की तरफ लाइन ले जाइएगा। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए आप ऐसे अंदर की तरफ करिएगा। एक हाफ सर्किल इधर बनाना होगा आपको, फिर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करिए, फिर आप ऐसे आगे की तरफ ले जाइएगा। इधर से भी आपको ऐसे अंदर की तरफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ाना होगा। अब आगे के साइड में आपको थोड़ा सा पतला कर देना होगा। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर इनका दूसरा हैंड बना देंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर नीचे की तरफ करते हुए इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद यहाँ से अंदर की तरफ ले जाइएगा, फिर आगे की तरफ हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप यहाँ से ऐसे 3 फिंगर बना दीजिए, और 4 वाला फिंगर आप यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ बना दीजिएगा, इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आपको इधर ऐसे ड्रॉ करना होगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप यहाँ पर हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी कि इनका अब यहाँ पर हमें
हमें लेग बनाना होगा। एक यहाँ पे हाफ सर्कल बनाते हुए हल्का सा इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, एक हाफ सर्कल इधर बनाइएगा, फिर अंदर की तरफ करिएगा, फिर बाहर की तरफ करते हुए आप इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ से ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद इधर से आप छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ ले जाना होगा और यहाँ पे या अंदर की तरफ करते हुए हाफ सर्कल बनाइए, फिर आगे की तरफ आप फिंगर बना दीजिएगा। यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ कर दीजिए। नीचे की तरफ करने के बाद दोस्तों आपको इसको अंदर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे और इधर इनका आगे की तरफ बढ़ाइए और यहाँ पर अंदर बाहर करते हुए इसको मिला दीजिएगा। अब आपको अंदर की तरफ छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना होगा, यहाँ पर भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से एक ट्री बनाना है। यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ ले जाइए, अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर। यहाँ से आप ऐसे डबल कर दीजिएगा, नीचे की तरफ करिए, ऊपर की तरफ, इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इधर से भी आप चाहें तो कुछ ब्रांचेस निकाल सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाइएगा, फिर नीचे की तरफ डबल कर दीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पर ऐसे बढ़ाइएगा और नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पर आप ऐसे मिला दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, एक सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी हेल्प से हम गौतम बुद्ध जी का यहाँ पे आई बना देंगे। ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे करिए, एक सर्कल बनाकर मार्कर की हेल्प से आप ब्लैक कर दीजिएगा, फिर आईब्रो बना दीजिएगा। यहाँ पे भी ऐसे आईब्रो बना देंगे। आईब्रो बनाने के बाद ऊपर के साइड में आप छोटे छोटे हाफ हाफ सर्कल बनाइएगा। इधर भी आप ऐसे हाफ हाफ सर्कल बनाते जाइएगा, पूरा आपको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम इसको पेंसिल की हेल्प से शेड देंगे तो इसको भी कंप्लीट कर देंगे। पहले इससे पहले आप यहाँ पे नोज़ बना दीजिएगा, हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए अंदर की तरफ करिए, फिर यहाँ पे करिए, ऊपर की तरफ छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। एक छोटा सा हाफ सर्कल इधर बनाइए, अंदर की यहाँ पे बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करिए, इसको सीधी लाइन ले जाइएगा, अंदर की तरफ आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इनका लिप बना दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध जी को पेंसिल की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं।